एनसीईआरटी, ओके एनसीईआरटी 1.23, 1.23, एनसीईआरटी 1.23 तो भी नहीं गया, हो गया पता नहीं किधर हो गया। ओके यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल, कंडक्टिंग स्पियर, स्पियर है ओके, हैविंग अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, फाइंड द इलेक्ट्रिक, फाइंड द चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द स्पियर। ओके यूनिफॉर्मली चार्ज कंड, नहीं ये नहीं था, 1.23 बोला ना, सॉरी सॉरी सॉरी। एंड इनफाइनाइटली लाइन चार्ज एंड इन्फिनिट, इन्फिनिट लाइन चार्ज एंड इन्फिनिट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ, प्रोड्यूसेस ए फील्ड ऑफ, प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9×10⁹ न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड लीनियर चार्ज डेंसिटी, कैलक्यूलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी, कैलक्यूलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी, कैलक्यूलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी सॉल्यूशन। इन अ इनफाइनाइटली लाइन चार्ज, ओके लाइन चार्ज है और लीनियर चार्ज डेंसिटी बोले तो पहले गिवन लिख, रूल नंबर 1 ऑफ फिजिक्स प्रॉब्लम राइट, गिवन लैम्बडा पूछा है, दूरी दी गई है डिस्टेंस ऑफ, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर्स नडांग इल्ला कन्वर्ट मार्बे 2×10⁻²⁰ मीटर बरोबर, एंड दे हैव गिवन अ लाइन प्रोड्यूसेस अ लाइन चार्ज ऑफ अ फील्ड ऑफ दिस मच, व्हाट इज दिस? Seeing the unit, you should be capable enough to speak. Seeing the unit, you should be capable enough to speak what it is. Brain, common sense of brain. Seeing the unit, your brain should be capable to understand what is that given alphabet. Without revision, do not attend the class, repeatedly said. That was electric field. That is electric field. By seeing the unit, your brain should tell. I am repeatedly telling. Without revision, don't attend the class. You will not understand anything. Linear charge density lambda पूछा है, electric field है और line charge है, मतलब ये अनंत लंबा charge, अनंत लंबा charge line वाला है ना, ऐसा कुछ तो हमने किया था इसका formula. Electric field is lambda by 2 pi epsilon not r, correct है क्या हमारा यही formula था? Electric field is lambda divided by 2 pi epsilon not r, क्या हमारा फॉर्मूला यही था फॉर लाइन चार्ज डेंसिटी 2 pi epsilon not r? जस्ट टेक कैलकुलेटर्स एंड स्टार्ट कैलकुलेटिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 9×10⁹, लैम्बडा भगवान जाने, दैट इटसेल्फ इज द इंटरेस्ट एरिया, भगवान जाने ओके, 2 pi 2×3.14, 3.14 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बाय हार्ट करना है, आई हैव टोल्ड एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग में ही आई हैव टोल्ड, योर बाय हार्ट 8.86 × 10⁻², मल्टीप्लाइड बाय दूरी 2×10⁻², 2×10⁻², कैलकुलेटर भी है, कैलकुलेट कर, आई एम ऑल्सो टेकिंग कैलकुलेटर, 9×2×3.14×8.86×10⁹ −2, 12 − 2 − 14 इज लैम्बडा, कैलकुलेट मार करना, नाने मारते हैं, 9×2×3.14×8.66 है जरा इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है, इन 8.86 500 आ रहा है, 500.76×10⁻⁴, 9 में से 14 गया −5, तो हमेशा आई टोल्ड यू रूल इज टू कीप आंसर इन फर्स्ट डेसिमल, क्या मैंने कुछ गड़बड़ी तो नहीं की ना, नहीं कुछ एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ उड़ाया तो नहीं ना, ये 2 उड़ाया है ना, ये 2 उड़ाया है,
ये टू उड़ाया ना, ये टू उड़ाया, एक और बात करेंगे, रुक जा। 2 × 9 × 2 × 3.14 × 8.86 1000 आ रहा है। 1000.53 × 10⁻¹। अभी ये तो गड़बड़ है, चार डेसिमल है, चार डेसिमल है, फर्स्ट डेसिमल मिला। 1.00 × 10⁻³, तीन डेसिमल कम कर, -5 + 3, तीन डेसिमल कम किया, -5 + 3, यू गेट 1 × 10⁻²। करेक्ट। यूनिट क्या आएगा, 1 × 10⁻², यूनिट क्या आएगा, 9⁻¹। ठीक, करेक्ट, चलेगा, ओके। यूनिट क्या आएगा, 1 × 10⁻², यूनिट क्या आएगा, कम ऑन, यूनिट क्या आएगा, मीटर बोलता है मेरे को। थ, इतना सब सिखाने के बाद अभी भी मेरे को मीटर बोलता है, लैम्डा मीटर है क्या, डिस्टेंस मेजर कर रहा है, चार्ज डेंसिटी है, सब सिखाया है मैंने, एकदम डिटेल में सिखाया है, कितनी कूलम पर मीटर, मैंने सब सिखाया है, कितनी कूलम पर मीटर, याद नहीं रहेगा तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, या तो ध्यान नहीं दे रहा है, दोनों में से एक है, क्योंकि मीटर तो डिस्टेंस थोड़ी से कैलकुलेट कर रहा है। आई एम नॉट कैलकुलेटिंग डिस्टेंस हियर, आई एम कैलकुलेटिंग लीनियर चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी कूलम पर मीटर, दिस इज द फॉर्मूला ना, सो दिस इज परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट। ओके, क्लियर है प्रॉब्लम, डन, प्रॉब्लम क्लियर है, हाँ या ना तो बोल।